करने भी जिम्मेदार। साथियों, सबसे पहले मैं जोरदार ताली उन लाखों के लिए चाहूंगा जो दो जून से लगातार अपने कैथल के साथी कोषाध्यक्ष ज्ञान गिल जी, पवन गोयल जी, वीरेंद्र कुमार जी और अपना शेर खड़े भाई बीच में दिनेश शर्मा भाई चंद्र में मोर नाचा किसने देखा, यो दिखाओ भाई सारी आंख पूरे देश ने, यो साइकिल भी चलावा और सोशल मीडिया में एक एक मिनट की खबर दिखावा। तो 2 जून को 2 जून की रोटी के लिए हमने एक संकल्प लिया। लगातार हरियाणा में जहां जहां गए, हम तो एक कर्मचारी आंदोलन लेके चले थे, लेकिन वो आंदोलन जन आंदोलन बन गया है। ग्राम पंचायत से ब्लॉक समिति, माता पिता, छोटे बच्चे लगातार आपकी यात्रा में चल रहे हैं। तो ये सब हमारे इस पावन भूमि का काम है। हमने यहाँ हनुमान जी के चरणों में बैठ के इस पेंशन बहाली का गठन किया था, तब ये संभव हो पाया। तो आप कैथल के सभी साथियों, ये लड़ाई यहाँ से शुरू हुई है और आज आपका जोश देख लिया भाई, यही खत्म करोगे। आज आपने जो जोश दिखाया साथियों, भाई विजेंद्र धारीवाल की ओर से मैं आपको विश्वास और वादा करता हूँ, केवल कर्मचारियों को ही नहीं, कैथल के कैथल की माताओं के गर्भ में पड़ रहे बच्चों की भी पेंशन पक्की करेंगे। ये सूर्य का ताप जो लगातार तपता है, हमारी खाल को तो जला रहा है लेकिन हमारे ख्यालों को नहीं जला पाया। साथियों, इन हथेलियों में हम एनपीएस की लकीर लेके पैदा जरूर हुए थे, लेकिन जिस दिन से साइकिल की मुठ पकड़ी है वो लकीरें समाप्त हो गई है। भाई हमने देवी लाल सुनिया, भजन लाल सुनिया, मनोहर लाल सुनिया, बंसी लाल सुनिया, इब इनका समझ में नहीं आ रहा भाई धारीवाल कौन आ गया। धारीवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, जैसे ही हमने वहां से अपनी यात्रा शुरू की, हमारी महिला कर्मचारियों ने हमारी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे हैं, इस यात्रा की मंगल कामना की है और निश्चित ही उनकी कामना सफल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज आपका जोश बता रहा है। कैथल के जब मेरे वीर बहादुर वीर साथी जब 19 फरवरी को पंचकूला पहुंचे थे, तब माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रशासन ने विध्वंसकारी नीति अपनाते हुए हम पर गोले चलाए, लाठियां बांधी, हम पर वाटर कैनन चलाया, लेकिन जब इन कैथल के सिपाहियों के शरीर की जांच हुई, किसी के शरीर पर भी पीठ पर निशान नहीं था, सबके सीने पर निशान थे। पीठ तो हमारी उसी दिन हो गई थी, अब तो हम भाईचारा इकट्ठा करते फिर रहे हैं जी। ओपीएस तो लागू हो गई। अपना एक पड़ोस का मुख्यमंत्री, आप पता है जयराम ठाकुर, ये कहता था अगर कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़ लो, और वहां के कर्मचारियों ने ऐसा चुनाव लड़ा, माननीय मुख्यमंत्री की भी पेंशन पक्की कर दी और अपनी भी पेंशन पक्की करवा दी। भाई वही मुख्यमंत्री घुटनों के बल 6 दिन पहले पंचकूला में आया दौड़ा दौड़ा, और माननीय मनोहर लाल जी को बता रहा था अगर आपको सत्ता में इस कुर्सी पर बैठा रहना है तो ओपीएस बहाल कर दो, नहीं तो ये बात मैं तुम्हें बताने आया हूँ, तुम यूपी में योगी को बताओगे अगली बार। अभी मौका है, साथियों 2018 का वो दिन, विशेषकर आप कैथल के साथियों को याद होगा, जब हमने पेंशन बहाली का गठन कर हनुमान जी के चरणों में नमन कर इस अभियान की शुरुआत की थी, और कैथल से निकली ये चिंगारी तमाम जिलों से होते हुए अब राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी अग्नि के तौर पर प्रज्वलित होगी, और इतना बड़ा ये हवन, इतनी कि ये जो सरकारें पुरानी पेंशन बहाल नहीं करी, ये हवन उन सरकारों को निकलने का काम करना शुरू कर दिया।
मेरे पास यहाँ सभी साथी में देख रहा हूँ, जो शुरुआत के साथी थे, जो नए साथी जुड़े उनको भी। अब कैथल के हर एक साथी को मैं जानता हूँ, किसका नाम लूं, किसको छोड़ूं, किसका कम योगदान ज्यादा बताऊं और किसका कम बताऊं। मैं अगर एक साथी का ज्यादा बताएं और एक का कम, तो दोनों के साथ बेईमानी हो। तो मैं तमाम साथियों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं, आप जैसे योद्धाओं को, तमाम विभागों, विभागीय संगठनों को, तमाम जन संगठनों को, तमाम किसान संगठनों को। और भाई, जब नांगल चौधरी से यात्रा शुरू की, मन में बहुत सारी शंकाएं थी, मन में हौसला था, विश्वास था, लेकिन शंकाएं बहुत सारी थी कि ये यात्रा सफल होगी, कितने लोग जुड़ेंगे, मेरे साथ जो साथी चल रहे हैं वो चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। लेकिन साथियों, जो साथी 2 जून से लगातार 35 साथी हमारे साथ चल रहे हैं, उनमें रिटायर्ड साथी भी हमारे साथ हैं, और उनका हौसला देखकर, उनका जज्बा देखकर मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, अब ज़्यादा मंजिल हमारी ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत जल्द हरियाणा प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल होगी, और जहाँ से हमने शुरुआत की तो जश्न भी पहला वहीं पे मनेगा। शिमला, हाँ, शिमला गांव की तरफ से जहां से हमारी यात्रा कैथल के अंदर प्रवेश किया, शिमला गांव ने भी आपकी इस यात्रा को 11,000 रुपए का सहयोग। मैं बता रहा था कि जब यात्रा शुरू की, नांगल चौधरी से चले, पहला धमाका तो वहीं पे हो गया, वहीं से शुरुआत होगी हमारी ग्राम पंचायतों की, हमारे जन संगठनों की, हमारे कर्मचारी संगठनों की। उन्होंने इतना साथ दिया, इतना जोश हमारे अंदर भर दिया कि भाई आज 14वां दिन है, किसी साथी को शायद, मुझे नहीं लग रहा, जो लगातार चल रहे हैं, किसी को थकावट हो। दुगुना दोष है प्रधान जी, दुगुना दोष, बहुत बढ़िया जी। और ये हमारे कई साथी हैं जो दूसरे जिलों से चल रहे हैं, मेरे कान में कह रहे थे, नहीं कहा भाई कैथल ने जो कर दिया बिल्कुल कमाल कर दिया। और निश्चित तौर पर आपकी यात्रा का इतना असर होगा कि या तो ये निकम्मी सरकार, लाठी डंडों की सरकार मैं इसको कहूंगा, या तो ये मानेगी। अगर नहीं मानती तो हम इस यात्रा में एक मुहिम लेकर चल रहे हैं, नारा हमारा है, जो पेंशन बहाल करेगा वही देश में राज करेगा। और मुहिम है वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। भाई, हो सकता है किसी ना किसी साथी को किसी नेता से प्यार हो, और होता भी है भाई, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ये बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आदमपुर का प्रदर्शन आपको याद है सभी साथियों को, काले कपड़े पहन के हमने उपचुनाव के दौरान किया था। उस दौरान मैंने बहुत से साथियों की ऐसी स्थिति देखी, ऐसे हालात देखे कि वो प्रदर्शन करके जब बाहर आए, फोन पे फोन, धारीवाल भाई इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो, धारीवाल भाई इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो। मैंने कहा भाई, मैं इन किसी नेता के पीछे नहीं, हम तो ओपीएस के पीछे पड़ रहे हैं। और रही जो वो चुनाव लड़ रहे थे नेता, जब वो पहली पार्टी में थे तो उन्होंने समर्थन पत्र हमें दिया था कि मैं ओपीएस का समर्थन करता हूँ, और हम तो उनसे मांग करने गए थे, भाई अब तो सत्ताधारी पार्टी के पास चले गए, पहले हमारी पेंशन ही बहाल करवा दो। क्योंकि 2.5 साल विधायकी करने के बाद उन्होंने अपनी पेंशन पक्की कर ली, और 2.5 साल के बाद अपने बेटे की भी कर दिया भाई। हम कर्मचारियों को क्या मिला, और उन कर्मचारियों को भी कुछ नहीं मिला जो बेचारे उनके वोट मांगते घूम रहे थे वहां दर दर भटकते, और हमसे नाराज हो रहे थे। 5 साल में 2 ले गए, 10 साल में 1 भी नहीं। और अगर पुरानी पेंशन के कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, अगर वो 10 साल 11 साल से पहले, 12 साल से पहले इस्तीफा दे दे तो तब भी उनको पेंशन नहीं है भाई, और इनको एक दिन की सदस्यता के बाद पेंशन। तो मैंने उन साथियों से कहा था, भाई तेरा वो नेता इतना प्यारा है, उसको भी तेरे से इतना ही प्यार है, तू कह रहा है मैं तो 2-2, 3-3 पीढ़ियों से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो भाई उस नेता पे अपनी अपनी पेंशन पक्की करवा ले, अब तो लड़का ले जा। और अगर वो नेता, वो मंत्री, वो उप मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री आपकी पेंशन बहाल नहीं कर सकता, तो साथी आपका दायित्व नहीं बनता कि आप उसके पीछे पीछे उसकी हद भक्ति में घूमते हैं। कहीं ना कहीं आप
इस भक्ति में अपने नेता के साथ तो वफादारी कर रहे हो, लेकिन अपने परिवार और आने वाली पीढ़ी के साथ गद्दारी करने का काम कर। इसलिए हमें निर्णय लेना पड़ेगा और ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। ये सरकार ना तो धरने से मानती, ना प्रदर्शन से, ना रैलियों से। इनको तो ये हो गया, जो आए उस पर लाठियां चला दो और वो पीछे हट जाएंगे। हमने कहा था लोकतंत्र के अंदर जब भी मांग के लिए कोई सड़क के ऊपर उतरता है और उसके ऊपर लाठी डंडे दबाया जाता है तो वो और मुखर होकर और मजबूत होकर निखरने का काम करता है। और ये आप साथियों ने किया भी। जो साथी 19 को नहीं पहुंच पाए, उन साथियों के चेहरे में आज इस यात्रा में देख पा रहा हूं, तो निश्चित तौर पर आप समझ लो आपकी पुरानी पेंशन बहाल होने वाली है। या तो ये सरकार माने, नहीं तो हम वोट की ताकत जो हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर दिखाई, हिमाचल प्रदेश 3 मार्च का वो दिन मुझे याद है, मैं 2022 का मैं खुद वहां प्रदर्शन में शामिल था, विधानसभा का घेराव किया, जो 19 फरवरी को हमारे साथ हुआ वही किया। और मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक बात कही थी, क्योंकि हम नारा देते हैं ना कि विधायकों सांसदों को 4-4, 5-5 पेंशन, और हमें एक भी नहीं। उसने मजाक उड़ाया था कि कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो क्या करें, चुनाव लड़ते। हमने कहा था जी चुनाव तो लड़ते नहीं, चुनाव करवाने का काम करते हैं और आपने चुनाव लड़ना सिखा देंगे, विपक्ष में ना बिठा दिया तो तब कहियो। और भाई आज ऐसी हालात होगी, अगर आप संगठित रहे, मजबूत रहे, एक रहे और इस सरकार को ओपीएस के मुद्दे पर झुकाने का काम कर दिया, मैं एक दावे के साथ एक बड़ी बात कहता हूँ, इस सरकार के साथ साथ क्या आने वाली 5 सरकारों के दौरान भी आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार ये कहा करेंगे हमारी मांग पूरी करो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे और वो मुख्यमंत्री झुककर आपको सलाम करके आपकी हर बात को मानने के लिए। मैंने हिमाचल प्रदेश में देखा है जिनको सत्ता से बाहर किया वो तो झुकी गया, और जो सत्ता में आया वो भी भाई आज जुड़ जुड़ के पूछे भाई तारा कुछ रह रहे हो, मेरे खिलाफ ना। मैं अभी गया था उनके यहाँ, सम्मान समारोह मुख्यमंत्री जी का किया था सुखविंदर सुक्खू का, वहां मैंने उनके शब्द सुने, हर शब्द में एक था भाई मैं सबको नाराज कर दूंगा, कर्मचारियों को नाराज नहीं करूंगा, ये आपकी ताकत थी। उन साथियों ने तो साबित कर दी, अब आपने साबित करनी है। साथियों ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, अगर हमारा आंदोलन युक्त है जारी रहेगा, दिल्ली में भी हमारी रैली होनी है और भी हमारे कार्यक्रम हैं, आप साथ 30 के अंदर लगातार इसी जोश के साथ बने रहिए। Yeah.